भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। आज भोजपुरी के एक ऐसन कलाकार जो भोजपुरी में स्टारडम या नंबर वन नंबर टू के रेस से बाहर रह के कुछ बेहतर सिनेमा के जरिए भोजपुरिया दर्शकन के दिल पे राज करे के कोशिश अपने गानन के जरिए अपनी फिल्मन के जरिए, यानी अरविंद अकेला कल्लू हमारे साथ माने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भोजपुरी में जो ये समय के माहौल चलता है उससे अलग केवल अपनी कंटेंट और फिल्मन पे फोकस करे वाला एगो हीरो। कल्लू जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना लोग हमके देख रहे सबके साथ कल्लू, वो आपका जो फिल्म अयोध्या में अरविंद शूट होता है ओकरी बारे में, उसके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों के बारे में। अभी हमने के बानी श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में कंटिन्यू एक महीने से भी ऊपर हो गया हमने शूट करा, जो ना फिल्म के नाम बस संकट मोचन हनुमान, जेकर डायरेक्टर बने चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर बने डीएम सर और अभिषेक सर। आज फाइट की सीक्वेंस चल रहा है हॉस्पिटल में और हनुमान जब नामे बात वहाँ के फाइट चलावे ऐसा समय पे आप संकट मोचन हनुमान के शूटिंग करते नहीं, जब एगो कुछ दिन पहले बॉलीवुड के फिल्म आई आदि पुरुष और बहुत ज़्यादा विवाद में रहा और हनुमान संकट मोचन हनुमान आपके फिल्म के लेके भी बहुत सारी चर्चा मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आई, तो ये कंटेंट कैसे मतलब जब एक तरफ बॉलीवुड के ऐसा फिल्म आई जब विवाद में जबकि संकट मोचन एक तरह से लोग कहता कि उदाहरण बन सकेला भोजपुरी सिनेमा की तरफ से कि देखे चाहिए आदि पुरुष के मेकर्स लोग की कि कैसे अगर आध्यात्मिक फिल्म बनाओ तो नहीं तो ऊपर कौने तरह के ऊपर कंटेंट के रिसर्च हो गए इतना ज़्यादा तो हम ना बोल सके ना, हम वो बादल हैं जो गर्जी ना कम बरसी ना जाता है। हमने के भोजपुरी वाला जितना भी मेकर्स बने हमने भोजपुरी में वो बोले ले कम करके दिखा रहे ज़्यादा, और खास करके चंदन उपाध्याय जी के जितना तारीफ करे कम हुई वहाँ के हमारा साथ प्रयागराज बहुत सारा ऐसा फिल्म के लिए बने जो उनकी अलग जो तो हमने के धर्म आस्था के ध्यान में रखते हुए सब कुछ ऐसा फिल्मावल जाता है कि नाम ऐसा बसंगा कुछ हनुमान तो कोनो भी ऐसा सीम कोनो भी ऐसा शब्द ना इसमें यूज कर दी जगह से केव का ठेस पहुँचे। एक एक सीन एक एक मतलब एक एक सीक्वेंस बड़ी रिसर्च करके हमने के फिल्म दिखाओ जाता है। और हर बात एक कहानी के कहानी आज के बाद सब दुनिया जानता है कि हनुमान जी अमर बाणे हनुमान जी आजू बाणे, तो हनुमान जी कोनो भी रूप में आ सकेले। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाए, जब जब धरती पर भ्रष्टाचार बढ़ जाए, जब जब धर्म आस्था के ऊपर लोग उंगली उठा रहे, तब तब भगवान को ना कोनो रूप में हनुमान जी तो मौजूद है वहाँ कलयुग में आवे ले। तो हो सकेला कि हनुमान जी अपन रूप देखे और देखी 2024 में राम जी के मंदिर बनाता है, एक बड़ खुशी के बात क्या हो सकता था हनुमान जी की उपस्थिति। तो आप एक बात कहनी है कि हमने क्या गर्जे नहीं जाना बरसे नहीं कर जाना, लेकिन इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ स्टार लोग बात जो खाली गर्जे था और वो कारण से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के छवि खराब होता है। ये को तो स्टार आपके भी कहने कह रहे वो तो वो पार्टी के बने और ये तरह के भी बात ना होते। देखिए हम अपना काम करते हैं, अब जो हमारी ऑडियंस है वो हमें जानती है शुरू से ही कि हम अपना काम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। और रही बात दूसरे की तो हम एक ही बात बोल सकते हैं, हमें यही बात बोला कि सबके अपन अपन जिए के तरीका बस सब अपने अपने अंदाज से जिया और पब्लिक पसंद करती है तबे लोग उनके देखा था। आज पब्लिक ना पसंद करी तो क्यों क्यों के ना देखी। तो आज कोई भी आर्टिस्ट अगर आज आप सबके बीच में फिल्म बनाता है एल्बम बनाता है तो ओकरा में कुछ ना कुछ क्वालिटी बात तबे आप सब करके ये लड़ाई सिर्फ और पूरी इंडस्ट्री में दर्द में जा। अरे कहाँ ना तो मनी लड़ाई हो रहा 10 गो बर्तन जा रहे हैं जितने में खटपट खटपट हो सकेला, अभी तो मन ज्यादा होता तो केहू उंगली उठा देता, लेकिन भोजपुरी अपन परिवार है हमने सबके परिवार भाई भाई में झगड़ा ना होला तो ऐसे ठीक है जमीन के लेके विवाद नहीं क्यों कुछ मुँह से निकल जाता कि वो क्या चांद के जीव निकल जाला जोश जोश में कुछ निकल जाला। तो हो सकेला देखब भगवान करिए हनुमान जी करस कि हमारे दोनों भाई चारों भाई जो भी लड़ता एक साथ सब लोग होके आ कह जला कि एकता में बहुत बल होला सब भाई हमने के एक बन सब भोजपुरी एगो परिवार कौन है भाई अच्छा हम सब भाई के तरफ चारों सब सब नहीं देखिए हमारा सोच ये है कि मिल के रहना है मिल के रहेंगे। कहा जला कि जब परिवार के ताकत आपके साथ रहेला जब भाइयों के ताकत आपके साथ रहेला तो सामने कोनो भी बड़ा तूफान होके उसका सामने लड़ लेगा। कलो जी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के छवि की बात करी जाए अभी वो तरह के छवि नहीं के बन पाओ जो साउथ के बनल रहा चाहे पंजाबी रीजनल सिनेमा में काहे यूज नहीं के पाओ। कई लोग कहते कि स्टार लोग रोजो गाना में दिख जाता लोग रोजो स्टेज में दिख जाता लोग तो फिर थिएटर में लोग खातिर काहे पब्लिक आओ आपके लगा दिक्कत। देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत थिएटर में पब्लिक
नहीं किया बहुत, लेकिन धीरे धीरे हमने की कंटेंट अच्छा बनाओ तीन सर। आज संकट मोचन हनुमान क्या है कि बनाओ तुम, लेकिन नहीं हम लोग अच्छा फिल्म लेके आ रहे हैं और आपके माध्यम से हम ये बोलेंगे कि जितने हमारे दर्शक है जो भोजपुरी से प्रेम करते हैं, जो हम सभी कलाकारों से प्रेम करते हैं, आप लोग अब आइए और आप लोग एक से एक बेहतरीन फिल्म हम लेके आ रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट की अगर बात करें कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो गए जो सब ड्रीम हमारा धीरे धीरे पूरा हो गया। शंकर मोचन हनुमान एक ड्रीम है, ड्रीम इससे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मतलब भगवान के नाम पे हमारा ये फिल्म मिला, हमारा खेमा में ये फिल्म आई, हमारा भाग्य में ये फिल्म आई और हम खुली आंखों से सपना देखते हैं, हम सपना देखते हैं और भगवान जी सुनने मिला और डायरेक्टर लोग जो हैं हमारे जो बड़े भाई की तरह गार्जियन की तरह ऐसा ऐसा सब्जेक्ट लाते हैं जो मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं होता हूँ वो मैं कर लेता। तो बस पूरी इंडस्ट्री का जो वर्तमान माहौल है, जो इस समय का जो कंटेंट है, उससे कल्लू कितना खुश है? अभी देखिए अभी बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बन रहा है, चाहे हम बनाए चाहे भोजपुरी के जितना भी कलाकार बने, सब अच्छा अच्छा कंटेंट पे अच्छा अच्छा डायरेक्टर लोग अच्छा अच्छा फिल्म बना रहा है। बस हम ये कहें कि आप दूर से देख के किसी को भी मतलब मत बोले कि ये क्या बन रहा है चाहे क्या नहीं बन रहा, आप फिल्म देखिए तब आपको समझ आएगा। तो ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू, जिन्होंने साफ कहा कि इंडस्ट्री में बेहतर कंटेंट के लिए हर कोई जो है काम कर रहा है। चंदन उपाध्याय जैसे जो डायरेक्टर हैं वो एक अलग जोनर ला के कोशिश ये बा कि भोजपुरी सिनेमा के इतना बेहतर कर जाए कि दर्शक थिएटर तक लौटे और भोजपुरी अपनी वो जगह पे पहुंचे जो ने मुकाम पे वास्तव में भोजपुरी इंडस्ट्री के पहुंचे के चाहे वहीं पहुँचने के बोले।